नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर है समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, बिरौल से 3 और शोभन के 1 और मरीज कोरोना संक्रमित। लेकिन सुकून इस बात की कि शोभन के पिछले 3 लोग पॉजिटिव से हुए निगेटिव। अब 14 दिन पुनः जांच के बाद ही माना जाएगा इन्हें ठीक। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश। खुल रही दुकानें, वीरान सड़कों पर दिख रहा चलती जिंदगानी। और मई माह में ही बाढ़ की आहट, प्रकृति के बदलते रुख से अलग अलग कयास लगा रहे लोग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात कोरोना के ग्राफ की। कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, 9 कहें और या 6 कहें। जी हां, 9 और 6 इसलिए कि कोरोना के मरीज की संख्या हो गई 9। लेकिन सुकून वाली खबर कि पहले के मरीज में 3 मरीज ठीक भी हुए, निगेटिव भी हुए हैं पहले दौर में। हालांकि यह निगेटिव पूर्ण तब कहा जाएगा जब दूसरी बार ये 14 दिन के बाद इनकी जांच होगी। इस तरह 3 मरीज के ठीक होने की पुष्टि और 9 मरीज, जो 4 मरीज और है बढ़े हैं। इनमें 3 मरीज जो हावड़ा कोलकाता से आए थे, 5 में से 3 पॉजिटिव निकले हैं। और एक चौंकाने वाली खबर शोभन से, जो दिल्ली से एम्बुलेंस से आने वाले मरीज थे, संक्रमित मरीज, उनके संपर्क में आने वाले को जो रखा गया था उसमें एक महिला पॉजिटिव निकली। पहली बार में निगेटिव निकली थी। यह एक चौंकाने वाली खबर है कि 14 दिन के बाद वह महिला पॉजिटिव हो गई शोभन में। और 3 जो पॉजिटिव थे उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ, 14 दिन के बाद जांच में वह निगेटिव है। लेकिन यह निगेटिव एक बार पुनः जांच होगी 14 दिन के बाद, तब स्वास्थ्य विभाग आश्वस्त होगा कि वह निगेटिव है। इस तरह मरीज की संख्या 9, जिसमें से 3 ठीक होने की पुष्टि निगेटिव, तो कुल संख्या 6 है। यह है दरभंगा में कोरोना का ग्राफ। कोरोना का ग्राफ दरभंगा में बढ़ गया। यूं कहे तो बिरौल के 3, जिसमें जो 5 हावड़ा से आए थे, उसमें 3 पॉजिटिव मरीज निकल गए। और शोभन में संपर्की एक महिला भी पॉजिटिव पाई गई। हालांकि सुकून वाली बात ये कि शोभन के 3 जो पॉजिटिव मरीज थे, अगली जांच में 14 दिन के बाद जो जांच होती है उसमें निगेटिव आए। इस प्रकार कुल 5 पुराने पॉजिटिव में जहां 3 मरीज निगेटिव हुए। हालांकि इसकी पूर्ण संतुष्टि 14 दिनों के बाद होगी जब दोबारा ये निगेटिव आएंगे। लेकिन दूसरी ओर बिरौल ने ग्राफ बढ़ा दिया, 5 में से 3 पॉजिटिव निकल गए। और सबसे आश्चर्य की बात ये कि जो 3 मरीज निगेटिव हुए उनके संपर्क में आने वाली एक महिला पॉजिटिव हो गई 14 दिन के बाद। कोरोना का ये है कहर, ये है रूप। जी हाँ, ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली से आया एक व्यक्ति क्यों कोरोना कोहराम मचाता है, यूं समझ लीजिए। हम नाम नहीं बता सकते। दिल्ली से आया एम्बुलेंस में व्यक्ति, उसमें सवार थे जो पति पत्नी, उसके एक बच्चे और 2 रिश्तेदार, 5। इन पांच में से 2 रिश्तेदार
इन्हें कोरोना हो गया, इनके बच्चे को नहीं हुआ, पति पत्नी को हो गया। ये चार शोभन तक की ये कहानी है। शोभन के बाद उसमें से एक व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है वह चला आता है दरभंगा शहर, यहां एक रात रुकता है और सिर्फ माँ उसे दो बार खाना देती है जैसा कि यह बयान है बताया जाता है, और उसकी माँ भी पॉजिटिव हो जाती है। अब आइए 14 दिन के बाद, इसे इस तरह से समझिए कोरोना का कोहराम। 14 दिन के बाद जब दोबारा जांच होती है तो वह बेटा और माँ पॉजिटिव ही रह जाता है, जो दरभंगा शहर से जिसको ले जाया गया था, दरभंगा शहर में उसकी गिनती होती है। फिर आइए शोभन, जहां तीन पॉजिटिव थे, ये तीनों को कम प्रकोप था और ये तीनों पहली जांच में, जो ये दूसरी जांच है और निगेटिव, ये निगेटिव हो जाता है तो ये तीनों ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक संपर्की व्यक्ति जिसे एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पहले ही ले लिया था, वह व्यक्ति पहली जांच में निगेटिव हुआ था। 14 दिन तक उसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, लेकिन जो गुरुवार की जांच थी उसमें वह व्यक्ति पॉजिटिव हो गया। कोरोना का यही कोहराम है, यानी एक अंदरूनी लड़ाई कोरोना की, जिसमें कोई लक्षण नहीं, कोई बुखार नहीं, कोरोना का बदलता रूप। तो इस तरह कोरोना का ग्राफ बढ़ा। हम कह सकते हैं कि कोरोना के 9 मरीज निकले, इसमें से 3 पहली दौर में ठीक हुए हैं, लेकिन ये 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे और 14 दिनों के बाद दोबारा निगेटिव अगर होते हैं तब स्वास्थ्य विभाग मानेगा कि ये दोबारा निगेटिव होने के बाद कि ये कोरोना से इनको मुक्ति मिल गई। सुकून वाली बात ये कि एक पखवाड़े के अंदर 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं, यह एक अच्छा संकेत। लेकिन फिर चिंता वाली बात ये कि किस तरह से मरीज खुद तो निगेटिव हो गया लेकिन कोरोना बांट आया दूसरे जगह। जी हां, अपनी बहन को, इसमें से संपर्की मरीज ने अपनी बहन को पॉजिटिव कर दिया, जो पहली दौर में निगेटिव ही हुई थी। बहरहाल ये कोरोना का कोहराम है। हम आपको बता दें कि दरभंगा में अब बिरौल में 3, शोभन में 1 और दरभंगा शहर में 2, कुल 6। शोभन में कुल 4 में से 3 मरीज निगेटिव निकले हैं पहली जांच में। ये है कोरोना का ग्राफ दरभंगा का शुक्रवार का। जिला में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, इसका कारण है एक परिवार दिल्ली से आई थी, उनको तुरंत अलग कराकर जांच कराने के क्रम में पॉजिटिव पाया गया था। इसके अलावा 5 तारीख को मध्य रात्रि में होरा से बिरौल प्रखंड, जो दरभंगा जिले में पड़ता है, वहाँ पर 5 लोग और आए थे। उन लोगों को भी तुरंत थाना के द्वारा पकड़ करके प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में रखा गया था। अगला दिन ही हम लोग BMC में ला करके उन्हें टेस्ट कराए थे, उनमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए थे। और इस प्रकार कुल, इसके अलावा जो दिल्ली से जो व्यक्ति आए थे उनका पहले, उनके साथ आने वाले व्यक्तियों में से पहले एक व्यक्ति का नेगेटिव आया था, उनको भी आज पॉजिटिव पाया गया। इस प्रकार कुल 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और अच्छी बात है कि जो पहले पॉजिटिव 5 लोग पाए गए थे उनमें से 2 लोगों का अभी नेगेटिव आया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 बार हम लोग टेस्ट करेंगे ताकि निश्चित हो जाए वो बिल्कुल रिकवर हो गया, तो उनको हॉस्पिटल से गिरफ्त किया गया। सर, अभी कितने सेंटर में कुल कितने लोग क्वारंटाइन है? क्वारंटाइन कैंप में लगभग 2500 लोग रह रहे हैं अभी, लगभग 60 से ऊपर सेंटर। और सर, जांच कितने लोगों की अभी DMCH के अंदर चल रही है? जाँच 450 लोगों के आसपास हो चुकी है, आज भी 50 लोगों का जाँच। इसे इस तरह आप समझ सकते हैं कि कोरोना का जो मेन ग्राफ है वह 9 पर है और जो संशोधित ग्राफ है वह 6 पर है। हालांकि जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें 2 ही ठीक हुए हैं, लेकिन सूत्र के अनुसार 3 लोगों के निगेटिव आने की सूचना है, लेकिन इसकी संपुष्टि नहीं हो पाई है जब तक विधिवत रूप से उन्हें निगेटिव करार नहीं दिया गया जाएगा। ऐसी स्थिति में सीधा ग्राफ जो कह सकते हैं वो 9 का है और इसमें ठीक होने वाले जो लक्षण नहीं दिख रहे हैं वे, उनकी संख्या 3 होती है। ये एक अच्छी खबर, लेकिन चौंकाने वाली खबर कि जिनका पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है उन्होंने इससे पहले कोरोना को बांट दिया है।
कोरोना का पांव पसार दिया है, यानी उनके संपर्क में आने वाली 14 दिन के बाद पॉजिटिव हो गई है। यह है कोरोना का कोहराम। लॉकडाउन में छूट देने के बाद सड़कें अब सूनी नहीं लग रही है, कई दुकानें खुल रही है, कुछ दुकानें तो प्रतिदिन 10 बजे से 5 बजे तक, तो कुछ दुकानें सप्ताह में 3 दिन। यानी साफ मतलब है कि सड़क पर भीड़ कम करना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, लॉकडाउन का पालन करना है, मास्क लगाना है, कोरोना के संग जीने का अभ्यास करना है आपको। ये स्थिति है और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को, जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में अब पूरी तरह कर्फ्यू का तो नजारा नहीं, लेकिन सुनसान सड़कों पर कहीं कहीं अब जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चलती दिखाई दे रही। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश और इसी अर्थव्यवस्था को सुधारने में दरभंगा के जिलाधिकारी ने भी धीरे धीरे लॉकडाउन में दुकानें खोलने इत्यादि की छूट दी है और जो सूनी सड़कें थी उस पर चहल पहल कि जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे ही सुरक्षित हाथ में चलनी चाहिए। कुछ दुकानें लगातार प्रतिदिन 10 बजे से 5 बजे तक खुलेगी, रातें अब गुलजार नहीं होगी, रोशन नहीं होगा, चहल पहल नहीं होना है। रमजान का समय है, देर रात तक खुलने वाली दुकानें 5 बजे तक ही उनके शटर गिर जाएंगे। निर्माण सामग्री की दुकानें तो खोलने की बात हुई है, लेकिन अंततः ग्राहक कहाँ है? बहरहाल लोग दुकान खोलकर इंतजार कर रहे हैं ग्राहक का। सप्ताह में प्रत्येक सोमवार बुधवार शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, विक्रय एवं मरम्मत, ऑटोमोबाइल टायर ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत होगा। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, गैरेज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन खोला जा सकता है, लेकिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये दुकानें नहीं खुलेंगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दुकान खुलने में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी इत्यादि होगी, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट इत्यादि होगा। और जो सब्जी बाजार इत्यादि फल सब्जी खाद्य पदार्थ का नियम है वो पहले की तरह होगा। सड़क पर कोई दुकानें नहीं सजेगी, ठेला कहीं लगाकर बिक्री नहीं होगी, ठेला मूविंग स्थिति में होगा। स्कूटर पर आप देख रहे हैं कि इसे रोकना होगा, एक सवारी ही बैठना है, आपको आवश्यक पास है तो चिकित्सक को छोड़कर चिकित्सक को ये सुविधा होगी। मोटर जो चार पहिया वाहन है उस पर आप ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोग ही सफर कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन आपके पास की जांच करेगी, बेवजह निकलने पर पूछताछ करेगी कि आप कहां जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं, आप कारण बताइए। जो पास है वे संबंधित रूट पर ही निर्धारित होगा, मान्य होगा, समय पर ही निर्धारित होगा, अन्यथा इस तरह आपको लौटा दिया जाएगा। कड़ाई से पालन साफ संकेत है, इसके अलावा बिना मास्क लगाए आप अपराध माना जाएगा आपका सड़कों पर बाहर निकलना, चाहे किसी भी काम से आप जा रहे हों, और आपको पुलिस रोकेगी, पूछताछ करेगी और अपराध होगा, आप पर मुकदमा दर्ज होगा। मास्क नहीं है तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से पूछताछ हो रही है, हिदायत कई लोगों को लेकिन कई लोगों को वापस और मुकदमा। जी हाँ, जिंदगी की नियति है आप तौलिया बांधिए, रुमाल बांधिए, मास्क बांधिए, तभी सड़क पर निकलिए, अन्यथा घर में रहिए। कोरोना के कोहराम से बचिए, घर में रहिए, घर में रहिए। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता है कि कोरोना के कहर को समझिए, इसके कोहराम को समझिए, इसके कहर को इतना कम मत आंकिए, इसे मजाक मत बनाइए, कोरोना से दूर रहिए, कोरोना ऐसे आपके यहाँ नहीं आएगा जब तक आप घर नहीं लाएंगे। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलनी है, आपको धीरे धीरे चलना है, जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो इसी तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करके जिंदगी की गाड़ी को बढ़ानी होगी। ये टायर की तरह धीरे धीरे ही सही, 60 के स्पीड में न सही, थोड़ा बढ़ा कर, और जब सब कुछ ठीक ठाक रहे तो फिर एक्सीलेटर दबाना होगा। कैसे कटे जिंदगी? जी हाँ, इस तरह से कट रही है जिंदगी, दुकानें खुल गई है तो ग्राहक आएंगे ही और जरूरत होगी ही, लेकिन सोशल डिस्टेंस पालन कराना दुकानदार की जिम्मेवारी है।
जिस दुकानों में जिस प्रतिष्ठानों में ज़्यादा कर्मी हैं उसमें आधे कर्मी अल्टरनेट दे करके आएंगे, ऐसी परिस्थिति में जिंदगी कितनी कठिन है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए इसे आसान बनाना होगा, सोशल डिस्टेंस बनाना होगा और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना होगा, घर में रहना होगा, घर में रहना होगा, घर में रहना होगा। जी हाँ, पंखे की भी ज़रूरत है, एयर कंडीशन की भी चाहत है और लैपटॉप भी खराब होता है, मोबाइल भी रिचार्ज कराना है, बिजली का काम भी है और फिर मकान निर्माण में कोई कमी है, जो हार्डवेयर फिटिंग है, सैनिटरी फिटिंग है, शौचालय इत्यादि खराब है, तो आपके यहाँ प्लम्बर आएंगे लेकिन वे गाड़ी पर नहीं आएंगे, उन्हें भी रोजी रोटी चाहिए। धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश, संभल संभल के कि कोरोना के कोहराम में जिंदगानी बचानी है, जिंदगी बढ़ानी है, जीना है, लेकिन जिंदगी बचा करके चलना है, भविष्य को सेफ रखना है, तो अभी थोड़ा कष्ट झेलना होगा। जो कन्फ्यूजन था सैलून के संदर्भ में, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्पष्ट कर दिया कि नाई की दुकान खुलेगी, सुरक्षा आपके हाथ है, नाई भी बचे, आप भी बचें और इसमें पूरी सतर्कता बरतें और हमेशा आप स्वस्थ रहें, जांच कराते रहें, तभी दुकान चलाएं, क्योंकि बाल दाढ़ी तो बढ़ेगा ही। ये एक बड़ी समस्या जिसके बारे में दरभंगा में लगातार ये चर्चा हो रही थी, क्योंकि DGP ने यह बयान दे दिया था जिसे गृह विभाग के आदेशानुसार दरभंगा में सैलून खुलेंगे, लेकिन पुनः आप इससे बच करके रहिए, हो सके तो आप अपना कपड़ा लेकर करके जाइए, आप अपना तौलिया लेकर करके जाइए और सैनिटाइजर का बार बार उपयोग कीजिए, सैलून का सैनिटाइजर कम पड़े तो आप लेके जाइए, बाहर में साबुन और पानी की व्यवस्था कीजिए, बार बार हाथ धोना पड़े, आधे घंटे के जगह 15 घंटे भी लग जाए तो जिंदगी बचाइए, दाढ़ी जरूर बनाइए, बाल जरूर कटवाइए, लेकिन सैनिटाइजर साबुन पानी का उपयोग कर जिंदगी बचाइए। सामग्री बेच सकता है प्रतिदिन, इस प्रकार खुल सकता है, लेकिन बेचेंगे वही सामग्री जिसके लिए उस दिन के लिए अनुमति मिला। सर, नाई और सैलून के लिए क्या आदेश दिए? बिल्कुल खोलने का आदेश मिल गया है, सब जगह खोलने के लिए स्वतंत्र। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। बढ़ते आगे, आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दरभंगा में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, बिरौल से 3 और शोभन के 1 और मरीज कोरोना संक्रमित, लेकिन सुकून इस बात की कि शोभन के पिछले 3 लोग पॉजिटिव से हुए निगेटिव, अब 14 दिन पुनः जांच के बाद ही माना जाएगा इन्हें ठीक। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश, खुल रही दुकानें, वीरान सड़कों पर दिख रहा चलती जिंदगानी।
और मई माह में ही बाढ़ की आहट, प्रकृति के बदलते रुख से अलग अलग कयास लगा रहे लोग। आंध्र प्रदेश के निर्गोल स्टेशन से ट्रेन पहुंची दरभंगा के हैं। दरभंगा, अररिया, बेतिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, खगड़िया सहित कई जिलों के यात्री थे जिन्हें अपने अपने जिला में पहले से लगे बस को रूटीन के सहारे इन लोगों को भेज दिया गया। तीन दिनों से दरभंगा स्टेशन पर मजदूर और छात्रों को लेकर गाड़ियों का आना जारी है। आंध्र प्रदेश के निर्गोल स्टेशन से शुक्रवार को दरभंगा पहुंची है ट्रेन और इसमें कई लोग जो थे उन्हें भोजन दिया जा रहा था। उन जिनका लिस्ट में नाम नहीं था उनको भोजन नहीं दिया गया था, इस कारण लोग आक्रोश भी जता रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रेन में खाना नहीं मिला और एक टाइम का खाना मिला, जबकि पहली ट्रेन में ऐसी शिकायत नहीं थी। ट्रेन में कोई भाड़ा नहीं लगा ये इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन दो दिन से यात्री को ट्रेन में खाना नहीं मिला, इसका मलाल जरूर था। उन्होंने कहा पानी जरूर मिला इस ट्रेन में। दरभंगा, अररिया, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, खगड़िया सहित कई जगह के ट्रेन से यात्री यहाँ पहुँचे। खाना का दिक्कत हुआ है, कब चलिए ट्रेन वहाँ से? परसों तो खाना नहीं मिला? नहीं, ट्रेन में आप लोगों को खाना नहीं मिला? खाना नहीं मिला, ओनली पानी मिला। टिकट भी लगा है? टिकट नहीं लगा है। गाड़ी कहाँ से चली है? आंध्र प्रदेश निर्दोल से। जाना था आपको सकरी नरपत नगर? कब चली है गाड़ी? परसों रात में 2 बजे। क्या टिकट वगैरह भी लगा आप लोग का? टिकट दिए, टिकट का पैसा नहीं लिया। टिकट का पैसा नहीं लिया? खाना होना? खाना नहीं मिला। खाना ट्रेन में खाना मिला है? नहीं। बोल से देख दरभंगा के लिए। निर्गोल कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कब चल? हम लोग दरभंगा जिला के हैं। मेरा घर हुआ लक्ष्मीपुर, खरवा लक्ष्मीपुर। बस और कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना उना नहीं दिया हम लोग को, बस यही प्रॉब्लम है। हम लोग राजमंड्री रहते थे, वहाँ से विजयवाड़ा के लिए ट्रेन थी, हम लोग बस से आए थे। वहाँ से हम लोग को इधर ले आया गया। सफाई नहीं है ट्रेन, पंखा नहीं है, लाइट भुकभा करते रहता है। ट्रेन में आप लोगों को खाना ना मिला? कल बस 2 टाइम मिला, आज तो एक भी टाइम नहीं मिला। माने एक टाइम खाना मिला, एक टाइम खाना नहीं मिला? कल 2 टाइम मिला था सुबह शाम, आज एक भी टाइम नहीं मिला है, पानी तक नहीं दिया है। सर कल से खाना टाइम पे नहीं मिल रहा सर, पूरा ट्रेन का क्लीनिंग नहीं हुआ, पूरा मतलब गंदा सब। और पिछले शहर में खाना बेचने आया था सर, उल्टा खाना देने आया था, खाना बेच रहा था। कहाँ से आई ट्रेन? निर्दोल आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, ट्रेनें लगातार आ रही है, एक या दो ट्रेनें प्रतिदिन, और कई जिले के लोग आते हैं। कुल 16 जिले के लोगों को दरभंगा स्टेशन पर ही उतारना है। अलग अलग जिला का काउंटर है, वहाँ से बस से फिर उन्हें भेजना है। यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग करनी है, खाना पानी देना है, फिर उन्हें उनका रजिस्ट्रेशन करके संबंधित जिला को भेजना है। जो दरभंगा के प्रखंड के जो यात्री होंगे उन्हें प्रखंड भेजना है। छात्रों को होम क्वारंटीन करना है। ऐसी परिस्थिति लगातार दरभंगा में जो यात्री हैं, चाहे वह मजदूर हों या छात्र हों, वे उतर रहे हैं। पहली बार पूरा तामझाम के साथ स्वागत तो हुआ, लेकिन हर बार बाराती का स्वागत तो एक बार ही होता है। जी हाँ, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिकायतें आ रही है। कठिनाई तो है ही, क्योंकि स्टेशन पर सामान बिक्री नहीं होती, किन्हीं के पास पैसा है या नहीं आप नहीं जानते। ऐसी परिस्थिति में अगर खाने का इंतजाम, सूखा खाना इनके पास न हो, तो एक नया बवाल, एक नया मुद्दा हो सकता है। रेल प्रशासन को सोचना होगा कि जिला प्रशासन यहाँ तो खाना उपलब्ध करा रहा है, लेकिन खुलने वाली जगह से ट्रेन के बीच अगर 2 दिन या 2.5 दिन लग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ घंटे लेट सवेर जरूर हो जाए, लेकिन संबंधित स्टेशन पर इंतजाम करना होगा। ये जिम्मेवारी है, क्योंकि हर स्टेशन पर सामान स्टेशन नहीं खुला हुआ है, वहाँ सामान बेचने वाले नहीं आएंगे, और ऐसी परिस्थिति में भूखे रहकर यात्रा कराना कठिन है। वार्ड नंबर 20 के मिर्सिकार टोला में सीमा सील करने के बाद कुछ जो आपत्ति लोगों को है, इसे सुनने नगर आयुक्त घनश्याम मीना, अप जो प्रशिक्षमान समाहर्ता है विनोद दोहन, और सिटी एसपी योगेंद्र कुमार
अपनी टीम के साथ पहुंचे, उन लोगों ने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा सभी लोगों से बात नहीं संभव है, कुछ वॉलेंटियर से बात की, उनकी समस्या को जाना, लेकिन केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग का हवाला देकर कहा कि यह सुविधा जो है सो आपको दी जाएगी, परेशानियों को देखा जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में सील इलाके से जो यह सीमा सील है उसमें से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। जो सेवा में है, सरकारी सेवा में है और उनके विभाग नहीं मान रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप एक जगह एकत्रित करके सूचना दें, जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेश से संबंधित विभाग को सूचना दे दी जाएगी। लोगों ने कहा कि उसने सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस पर प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा एक गाड़ी भेजाई गई जिसमें उचित दर पर मोबाइल वाहन रहेगा जिस पर सामान उपलब्ध होगा। इसके अलावा एटीएम जो वैन है उसे भी बुलाने की बात कही गई। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को भेजी गई कि जिन्हें बीमारी वगैरह का इलाज कराना है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि अगर आवश्यकता होती है आपात स्थिति में तो एम्बुलेंस से आ जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो सील इलाका है उसमें से जब तक स्वास्थ्य विभाग की हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक बाहर नहीं निकला जा सकता है। जो समस्या का निदान है, लोग सामान खरीदे और जो असहाय परिवार है जिन्हें राशन कार्ड नहीं है, डीलर या संबंधित जनप्रतिनिधि प्रमाणित करके दे तो उन्हें राशन इत्यादि मुहैया कराया जाएगा। दरभंगा शहर का दो इलाका सील है, बहादुरपुर प्रखंड का शोभन गांव जिसमें 600 घर सील है और दरभंगा शहर का मीर शिकार टोला, मनहरन लाल और भगवान दास का पाट। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, आवश्यक सामान नहीं मिल रहा है। इसे देखने नगर आयुक्त घनश्याम मीना, CTSP योगेंद्र कुमार और प्रशिक्षमान समाहर्ता विनोद दोहन पहुंचे दोपहर में। उन्होंने कहा कि सील इलाके में अंदर जाना प्रतिबंधित है, जो बाहरी इलाका है उसमें रहकर उन लोगों ने कुछ लोगों से जो वॉलंटियर है उनसे बात की, उनकी कई समस्याओं को जाना। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश से उन्होंने कहा कि जो संपन्न लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वे सामान उन्हें प्राप्त होगा उचित मूल्य पर। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने एक मोबाइल जो गाड़ी भेजी है उसमें सारे आवश्यक सामान मिलेंगे, लेकिन लोगों का आक्रोश चरम पर था कि एक सीमा सील कर दिया गया है और उनके साथ यह नाइंसाफी है। इन लोगों ने एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से पार्षद और सरकार को सूचना दी, लेकिन इसके एवज में उन्हें बंद कर दिया गया। ये बात यहाँ पे समझनी होगी क्योंकि अभी क्या किया गया, 14 दिन के बाद 28वें दिन के बाद समझ रहे हैं। जैसे यहाँ का एक आदमी जो सोन के अंदर है, 14 दिन उसको हो गया, लेकिन 15 दिन वो पॉजिटिव हो गया, दो बार टेस्ट पहले करा लिया, नेगेटिव रहा, उसके बाद पॉजिटिव हो गया, समझ रहे बात। अब आप ये बताइए इस केस में, इसलिए सरकार ने ये नीति बनाई कि 28 दिन को क्वारंटाइन पीरियड निकालना, लेकिन इस केस में गलती से कोई निकल के आ गया तो समस्या हो जाएगी। ये है पेशेंट तो जैसे ही आया हमने खबर करके पेशेंट को हवाले कर दिया, कोई लोग उसके संपर्क में नहीं रहा, सब लोग हम हट के रहे। जैसे मान लो इन किया 8:30 बजे हम लोग फौरन खबर, वो बात ठीक है जो सरकार सिर्फ उसकी माँ और वो संपर्क में बात और मेरे मोहल्ले का कोई भी आदमी उसके संपर्क में नहीं किया, वो ठीक है वो बात। और हम लोगों का इतना ही कसूर हुआ कि हम लोगों ने खबर किया, इसलिए मना किया था सर खबर नहीं करो, ये तो तुम्हारे लिए बेकार होगा। वही अब के बाद तो हम अमल किए रहते है। और जो WHO की गाइडलाइंस है, जो मेडिकल डॉक्टर्स जो पूरी दुनिया में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 14 दिन के बाद भी संक्रमण हो रहा है, तो पूरी दुनिया को गाइडलाइन दिया गया है कि 28 दिन का क्वारंटाइन करना है। वो आप ही के भलाई के लिए, कोई हम तो अपने लिए कर नहीं रहे, उल्टा हमारा तो काम बढ़ गया है आप लोग की देखभाल करना, हम लोग तो अपना रात दिन दे रहे हैं। तो सुरक्षा इसी में है कि जो गाइडलाइंस, अब गाइडलाइंस सबको फॉलो करना है। अब गाइडलाइंस का कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बाहर नहीं जाएगा, मतलब कोई नहीं जाएगा। तो इस टाइप की बात कहना कि 4 लोग को अथॉरिटी दे दें, ये तो बच्चों जैसी बात हो गई और कुछ नहीं है। देखो 14 दिन बीत गए हैं, पहले से 14 दिन किस तरीके से बीता है, पहले दिन हम लोग को आए थे देखने, आज बीत गया कुछ पता चला। और दूसरी बात है कि महामारी वैश्विक है, इसमें तो बहुत पीड़ा बहुत पेन होगा सबको, इससे ज्यादा हो रहा है लोगों को, हम लोग को भी हो रहा है। पॉजिटिव हो गया ना, तीन अच्छी खबर। लेकिन एक बताओ, आज से 14 दिन बाद या 1 साल बाद
आप लोग क्या याद करोगे, यही करोगे ना कि सबने मिलजुल के काम किया और कितनी जाने बच गई, एक चूक एक गलती। बहरहाल अंततः जो उनकी असुविधा थी उसे नोट किया पदाधिकारियों ने और कहा कि वे जिला पदाधिकारी को इससे अवगत कराएंगे और यथासंभव जो गाइडलाइन है उसमें समस्या का निदान करेंगे। जिला पदाधिकारी ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम भी भेजा, जांच भी की गई और उचित मूल्य पर मोबाइल जो गाड़ी है उस पर बिक्री के लिए जो आवश्यक सामान आटा चावल दावल तेल मसाला इत्यादि है, दूध इत्यादि, उसे भी भेजा। अब एटीएम वान भी आने की बात कही जा रही है ताकि लोग पैसे भी निकाल सके, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है इन 28 दिनों के अंदर नहीं जा सकेंगे। इस संदर्भ में सभी व्यक्तियों की सूची लेकर जिला पदाधिकारी अपने आदेश में संबंधित विभाग को ये कॉपी भेज देंगे, यह बताया नगर आयुक्त ने। कोरोना बंदी के बीच समय से पहले दिखने लगी बाढ़ की आहट। जी हाँ, कमला नदी का पानी निचले इलाके में फैला, खेत में लगी मूंग और मकई का फसल डूबा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पानी का बढ़ना लगातार जारी है, खेत के जो निचले इलाके में है उसमें पानी फैलने की सूचना। प्रकृति ने अपना रूप बदला है, कोरोना ने रंग दिखाया है, साइड इफेक्ट है संभवतः, तरह तरह की चर्चा हो रही है। जी हाँ, लगातार मई महीने में आंधी पानी बारिश और आप देखें तो आसमान साफ, हम अगले आगे आपको विस्तृत रूप में दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए कुशेश्वर स्थान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जुलाई महीना या जून महीने का दृश्य नहीं है, यह बिल्कुल अभी मई महीने जबकि मई की शुरुआत है, बाढ़ ने दस्तक दे दी है। एक खबर आपको ये, चुपके से बाढ़ ने दस्तक दे दी है कुशेश्वर स्थान का या निचला इलाका, ये चौंकाने वाली खबर। जी हाँ, कोरोना बंदी के बीच समय से पहले दिखने लगी बाढ़ की आहट, कमला नदी का पानी निचले इलाके में फैला, खेत में लगे मकई और मूंग की फसल डूब गई। जिलाधिकारी ने कहा पानी का बढ़ना जारी है, खेत के साथ निचले इलाके में फैल रहा है पानी, सूचना मिली जिस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं कि यह समय से पूर्व हुआ है। समय से पूर्व ही बदलता मौसम, जो पिछला मई महीना था आपको याद होगा त्राहिमाम स्थिति थी, पानी के लिए त्राहिमाम था, लेकिन पानी अभी आ गया है। निचले इलाके में बाढ़ का खतरा, कुशेश्वर स्थान के इटहर पंचायत की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समय से पहले बाढ़ की दस्तक, कोरोना ने प्रकृति को एक तरह से मोड़ दिया है। पर्यावरण सीतामढ़ी से हिमालय का दिखना, छत से आपका दूर दूर तक की बिल्डिंग दिखाई देना, मई महीने में ये बाढ़, जो फसलें थी किसान आश्वस्त थे कि किसी तरह इस कोरोना की बंदी में भी काटेंगे। ये देखिए मई महीने की यह तस्वीर है कुशेश्वर स्थान के इठर पंचायत की। पानी आ गया है भिंडुआ पंचायत में, कई एकड़ फसल मकई का पानी में डूब गया है। कोरोना वायरस के लेकर ग्रामीण सब घर में है, कहीं निकलता नहीं है, किसान को बहुत दिक्कत है जाने उने का, और समय आया है बाढ़ का पानी, इससे का बहुत भारी क्षति हुआ है। सर एक तो दू महीना से लॉकडाउन में जे छे से लोग सब घर बैठल छे सर, कोनो काज काम क्या नहीं पावे छे, और जे छे से एक ऊपर वाला के देखे छे डांग कि पूरा डेढ़ बीघा मकई साफ ओंघड़िया गेले सर, तनिए बीच में खड़ा छे नहीं तो सब मकई खत्म भए गेले सर, हे देखियो ना दशा सर, हम बैंक से लोन लैक सर आ तब हम मकई के लिए रहा सर, और हम की कह सकै छी सर, अहाँ सब से हाथ जोड़ के विनती करब कि तनी किसान पर कुछ दया करिए। जी हाँ, मई महीने के प्रारंभ में ही बाढ़, किसान गुहार लगाते हुए, ये किसान देश के रीढ़ हैं, जब पूरा देश बंद है लॉकडाउन है, किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं आज, और ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा उपजाया अन्न हो या सब्जी हो हम खा रहे हैं, और ये किसान इनकी कमर टूटेगी तो कोरोना के कोहराम का साइड इफेक्ट यहाँ नजर आएगा। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत, प्रकृति के इस जो नियम है या जो चक्र है उसे हम कुछ कर तो नहीं सकते, समझ सकते हैं, दूसरे की दर्द को एहसास कर सकते हैं और अपनी जो स्थिति है उससे ये अनुभव कर सकते हैं कि कोरोना के कोहराम के बीच ये बाढ़ की धार की मार जो इन लोगों पर पड़ी है इसका साइड इफेक्ट हम तक भी पहुंचेगा, आप तक भी पहुंचेगा,
और फिर सामानों की दिक्कत होगी, किल्लत होगी, फसलों की क्षति हुई है। ये एक प्रकृति का बदलता स्वरूप, कोरोना ने रूप बदला है, प्रकृति ने भी, मौसम ने भी अपना रूप बदल लिया है। उसको बिल्कुल आकलन की जा रही है और आकलन करके जो भी नुकसान हुआ उसको रिपोर्ट भेज करके मुआवजा दिया। वो पानी कम होने के बाद उसको हम लोग आकलन करेंगे, अभी तो पानी अभी भरा है, पानी जैसे कम हो गया उसके बाद हम लोग आकलन करके उसमें क्या व्यवस्था हो सकता है। सर कितने गांव और कितने लोग प्रभावित हैं इस पानी से? जो कुशेस्तानपुरी उसमें कुछ क्षेत्र प्रभावित है, कहीं घर में नहीं घुसा पानी, कुछ फसल में घुसने की बात है और नदी में पानी बढ़ जाने की बात है और नदी में जो आवश्यक कुछ घर है उसके आसपास इलाके में फैलने की बात। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दरभंगा में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, बिरौल से 3 और शोभन के 1 और मरीज कोरोना संक्रमित, लेकिन सुकून इस बात की कि शोभन के पिछले 3 लोग पॉजिटिव से हुए निगेटिव, अब 14 दिन पुनः जांच के बाद ही माना जाएगा इन्हें ठीक। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश, खुल रही दुकानें, वीरान सड़कों पर दिख रहा चलती जिंदगानी। और मई माह में ही बाढ़ की आहट, प्रकृति के बदलते रुख से अलग अलग कयास लगा रहे लोग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।